सरोकार। मन की बात का 100वां एपिसोड सफल बनाने के लिए बीजेपी और सरकार ने कसी कमर, रिकॉर्ड बनाने का है लक्ष्य। भारत का पाकिस्तान को संदेश, एससीओ समिट में राजनाथ सिंह बोले प्राथमिकता आतंकवाद से निपटना होनी चाहिए। डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर पर पीओसीएसओ एक्ट में दूसरी अन्य। कर्नाटक में राहुल ने बारिश में जनसभा की, कहा बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है। जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, 33 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर गाजियाबाद से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में यूपी नंबर 1 है। बृजेश पाठक ने कहा कि यूपी में अब एक भी माफिया सक्रिय नहीं है। वहीं योगी सरकार ने प्रदेश के हर अपराधी को जेल भेजा है, आज गुंडों में भय और जनता भय मुक्त है। साथ ही उन्होंने बताया कि गाजीपुर की पहचान पहले अपराध की नर्सरी के रूप में थी और आज गाजीपुर की पहचान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोहम्मदाबाद के नगर निकाय चुनाव में मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मोहम्मदाबाद की गाजीपुर की जनता से अपील करता हूँ कि निर्भय होकर मतदान कमल के पश्चिम करें। गाजीपुर के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है, मोहम्मदाबाद के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। हर नागरिक को जो उनके अधिकार है कि सड़क, नाली, बिजली, खंजा, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हमारी सरकार धरातल पर उतारेगी। इस बात के लिए गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव में कमल का थैला बहुत जरूरी है, यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। जिस ढंग से यहाँ भीड़ जुटी है, जो उत्साह है, मैं कह सकता हूँ गाजीपुर में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल रहा है। औरैया नगर पालिका की सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाने में लगी हुई है। इसी को लेकर बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल औरैया नगर पालिका में अपने प्रत्याशी के समर्थन के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि बहुत से राज्यों में कमल नहीं खिला, लेकिन इस बार प्रकाश पाल आ गए हैं तो इस बार कमल ही जीतेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित ढंग से काम करती है और इसलिए सबसे चुनाव अभियान की शुरुआत अपने कार्यालय के शुभारंभ से करती है कि हमारे सारे कार्यक्रम लयबद्ध ढंग से कार्य चलें, इसलिए कार्यालय शुरू हो गया है। अब सारे कार्यक्रम हमारे चुनाव के दिन 11 तारीख और मतगणना तक के इसी कार्यालय से विधिवत संपन्न होंगे। आज उसकी शुरुआत हो गई, सारे अभियान होंगे, हम घर घर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, सभाएं करेंगे, रैली निकालेंगे, उन सब की इसी कार्यालय पर बैठ के योजना बनेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसा आज मैंने माहौल देखा है, कि राजकुमार दुबे सहित 2500 वार्ड भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। चंदौली नगर निकाय चुनाव में 3 पंचवर्षीय से लगातार भारतीय जनता पार्टी का हार रही है, वहीं इस बार बीजेपी जीतने को बेताब है। अब की बार क्या होगा कमल का फूल, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी को लेकर प्राइम टीवी के संवाददाता ने भाजपा के करंडहार दिग्गजों से खास बातचीत की। क्या कहते हैं जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी, आइए जानते हैं। और कटिया से आना जाना है, कटिया के लोगों से लगाव रहता है जी। हमें ये भी पता है कि आप पूरे राजनीतिक के परिवार से हैं और आपके पिताजी प्रमुख भी रह चुके हैं। पिताजी भी प्रमुख रह चुके हैं, मैं भी। ऐसे में तो सवाल बनता है, चकिन चकिया नगर निकाय से कुछ प्रश्न पूछा जाए आपसे। एकदम पूछा जाए। सर ये बताएं कि यहाँ पर चकिया में कंडीशन क्या चल रहा है, रुझान किधर जा रहा है? देखिए, प्रदेश और देश में जो सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार है, उसके हिसाब से उसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता उसको ले रही है और उसको महसूस कर रही है। तो जनता भी ये सोचती है कि नगर पंचायत में यदि आज हमारे साथ
भारतीय जनता पार्टी के उभरते सितारे के रूप में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी संयोग से नगर पंचायत चकिया में मिले हुए हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 का नगर निकाय चुनाव चकिया का रिजल्ट कैसा रहेगा और यहाँ पर स्थितियाँ परत दर परत कैसे बदल रही हैं, इनसे चर्चा करके सुनाते हैं। धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए पूछिए। असर ये बताएं कि लगभग 3 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने के पहले ही मुरझा जा रहा है, क्या इस बार उसकी पुनरावृत्ति फिर हो रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरह से क्रियान्वयन जमीन पे दिख रहा है, उसके बलबूते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार नगर पंचायत शिक्षा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो की बात है, आज हमारे पास चकिया नगर निकाय के प्रभारी और चुनाव के संयोजक तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राकेश मिश्रा जी भी साथ में हैं। ऐसे में हमारा एक प्रश्न बनता है, इनसे पूछें कि चकिया नगर निकाय चुनाव को किस दिशा में कैसे कैसे सपा बसपा और निर्दल के लोगों से लड़कर कमल के फूल को पानी के बीच में डालकर खिलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि 4 तारीख को वोट पड़े और 13 तारीख को लहलहाता खिलता कमल का फूल पूजा करो। आइए हम आपको बात करके सुनाते हैं। जी मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर ये बताएं कि आप यहाँ के प्रभारी भी हैं, संयोजक भी हैं और जिला के पदाधिकारी भी हैं। मैं जिला की बात तो बाद में करूँगा, पहले चकिया नगर पंचायत में क्या कमल का फूल खिल रहा है? कमल का फूल खिल रहा है, केंद्र में सरकार हमारी प्रजेंद्र की सरकार है, पीपल इंजन की सरकार बनेगी और कमल का फूल खिलेगा। सही है सर, यहाँ पर कुछ बगावत देखी जा रही है चकिया में, जो पदाधिकारी जिनको टिकट नहीं मिला है वो लोग बगावत छेड़ रहे हैं, क्या उसका कुप्रभाव पड़ सकता है? ऐसा नहीं है, जो जो बगावत कर रहे थे सबको हम लोग आ गए, घर वापसी आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, धन्यवाद। लखनऊ में निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था को लेकर डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने फूट पेट्रोलिंग की है। हजरत क्षेत्र में फूट पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान एडीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और बीएसएफ जवान मौजूद रहे। वहीं महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुई। इस दौरान ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। अलाउंस कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अधिकारियों द्वारा अपील की गई। साथ ही ड्रोन के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी चेक किया गया। बता दें कि अराजक तत्वों और संदिग्ध वस्तु पर नजर रखी जा रही है। हजरतगंज सहित कैसरबाग और अन्य इलाकों में भी पुलिस ने फूट पेट्रोलिंग की। वहीं डीजीपी ने यूपी पुलिस को लगातार फूट पेट्रोलिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के दौरान इरवा कटरा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी किया माल भी बरामद किया है। थाना पुलिस की सक्रियता के चलते रात्रि गश्त के दौरान बाइक सवार 3 शातिर चोरों को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। में थाना एरवा कटरा में 24/3/2023 को वादी विकास उर्फ गोलू के ये ग्राम तकिया एरवा कटरा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा लिखित सूचना दी गई थी कि 23/24 की रात में जब ये लोग छत पर सो रहे थे तो छत से कूदकर इनके घर में जाकर कुछ लोगों ने चोरी की है, जिसपे 380 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना का अनावरण करने हेतु कई टीम्स लगाई गई थी, सर्विलांस के माध्यम से एसओजी को भी लगाया गया था और थाने ने भी अपने स्तर पे चेकिंग की और टीम्स लगाई, जिसके क्रम में आज जब रात में चेक
गाजियाबाद के लोनी भोपुरा रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक और कार सवार समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घायलों में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की हालत गंभीर है। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। हादसा थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।